घमासान.com के खास कार्यक्रम दे धनाधन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। बिल्कुल, आज जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को बचाने के लिए प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने का जो फैसला किया है, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई बड़ा चमत्कार करना जरूरी है। कांग्रेस के पास शायद ये आखिरी चमत्कार था और वो है प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी की तरह दिखने वाली उनकी ये पोती के बारे में कहा जाता था कि वो लंबे समय से राजनीति में आना चाहती हैं। हालांकि कई बार प्रियंका ने राजनीति में आने से साफ इनकार किया, इसके बावजूद वे रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करते हुए देखी गई है। ये बात भी सही है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो रायबरेली और अमेठी में विधानसभाओं का परिणाम ज़्यादा उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति कुछ ज़्यादा खराब होती हुई दिख रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार हम नहीं जीते तो आखिर क्या होगा। वैसे भी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से देश के खास तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जो वापसी हुई है वो वाकई चौंकाने वाली थी। कांग्रेस बस इसी चमत्कार को आगे बढ़ाना चाहती है। ये जो चमत्कार है इसको राहुल गांधी की सफलता के रूप में देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, वो समझदार हो गए हैं। आज सयाने कहे जाने वाले राहुल गांधी ने ये फैसला किया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय होगी और उनको महासचिव बनाते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। वाकई ये उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से दिल्ली की सीट तय होती है, यानी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें तय करती है। पिछली बार जिस तरह से अमित शाह ने वहां पूरी ताकत लगाकर भाजपा की झोली में 72 सीटें डाली थी, उसके बाद ही उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। अब कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं होने के कारण कांग्रेस को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए प्रियंका गांधी कितनी सफल होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की बात राहुल गांधी के आने के पहले से कही जा रही है। जब राजीव गांधी की मौत हुई थी उसके बाद सोनिया गांधी घर बैठ गई थी और उन्होंने ये कहा था कि अब मैं परिवार में और किसी के साथ इस तरह का हादसा होते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो डर गई थी, सहम गई थी और अपने परिवार की तरफ ध्यान देने लग गई थी। लेकिन जब ऐसा मौका आया कि कांग्रेस की नैया डूबती हुई दिखी, तब सोनिया गांधी ने सारे कांग्रेसियों की डिमांड पर कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला और सोनिया गांधी ने भी वो चमत्कार किया जिसकी उम्मीद भारतीय राजनीति में कोई नहीं कर रहा था। उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, लेकिन सोनिया गांधी ने इस तरह के संगठन का ताना बाना बुना और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को शाइनिंग इंडिया की असफलता का सामना करना पड़ा। तब यह कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े पद को त्याग दिया था और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार नहीं दूसरी बार फिर बनाया, तब भी ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ये पद ले लें, लेकिन सोनिया उसके लिए तैयार नहीं हुई। जब राहुल गांधी को कांग्रेस में एंट्री दी गई तब ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाना ज़्यादा जरूरी है और राहुल की तुलना में प्रियंका ज़्यादा लोकप्रिय हैं और वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेसियों के साथ साथ देशवासियों पर राज करेगी, लेकिन
तब भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में नहीं आई। राहुल के अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने अब अपने आप को पीछे कर लिया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर यह छोड़ दिया था कि वो ये फैसला करें कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए या नहीं। अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि उनकी बहन के बिना भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। इसी कारण एक भाई ने अपनी बहन से रक्षा का कवच एक तरह से बंधवा लिया है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उसके लिए उनकी बहन बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की घोषणा हुई उसके कारण भाजपा सहित सारे दल के नेता चौंक गए हैं, क्योंकि आज जब घोषणा हुई तो उसके पहले किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका गांधी को न केवल कांग्रेस का महासचिव बनाया जाएगा बल्कि उस उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी का भाग्य तय होता है। ये वाकई बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इतनी गंभीरता से लिया है। चुनाव के लगभग 4 महीने पहले ये जो फैसला हुआ है उसके बाद पूरे देश के कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं और बाकी दल के नेता चिंतित हैं कि अब इस नई चुनौती का सामना कैसा कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा के पास जादुई नेताओं में सिर्फ नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस के पास भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका है। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये दोनों भाई बहन किस तरह से कांग्रेस की डूबती नैया को बचाते हैं और किस तरह से प्रियंका मेहनत करके या यूं कहें कि कुछ राजनीतिक पेत्रेबाजी करके अपने भाई राहुल को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है। आप देखते रहिए दे दनादन कार्यक्रम। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।